एक तरफ आज के युग में इंसान अपनी व्यक्तिगत समस्याओं में उलझा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी भी जगहें हैं जहां इंसान मानसिक व आध्यात्मिक शांति पा सकता है। इन्हीं जगहों में से एक है माहौली। आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ, जहाँ के निवासी आज भी अपनी छोटी से छोटी खुशी और बड़े से बड़े दुख के लिए देवी देवताओं पर ही निर्भर है। इसी आध्यात्मिक शांति की खोज में आज हम आपको ले चलते हैं माहौली। 10,000 की आबादी वाला एक छोटा सा गांव है ये, जहाँ का शांत वातावरण दिल को सुकून देता है। गांव में दूर तक फैली हरियाली प्रकृति का एक खूबसूरत नजारा है। शहर की चहल पहल से दूर अपने में मस्त ये गांववासी इस छोटी सी धरोहर को अपने में समेटे हुए हैं। यहां स्थित माँ काली और भगवान शिव का मंदिर आमने सामने है। कहते हैं माँ काली और भगवान शिव के विवाद के प्रति स्वरूप यह मंदिर बने हुए हैं। ज्यादातर मंदिरों में भगवान शिव और माँ काली साथ साथ विराजमान होते हैं। गाँव वालों का विश्वास है कि यह मंदिर 200 साल पुराना है। लोगों की यह आस्था है कि भगवान शिव और माँ काली के बीच विवाद के बाद एक तेज बिजली आसमान में चमकी और इस मंदिर पर जा गिरी। मंदिर कहीं से भी खंडित नहीं हुआ, केवल दोनों मंदिरों की मूर्तियां खंडित हो गईं, जिससे शिवलिंग के मध्य में दरार आ गई और माँ काली का सर धड़ से अलग हो गया, जिसे बाद में चांदी के तार से बांधा गया, जो आज भी मंदिर में विराजमान है। जो आप खींच के आए, जैसे वो बीच के आप नहीं देखे होंगे फटे, तो वो और इनका बात जो लोग बताते हैं कि इनका पत्थर जी किसी समय कुछ संघर्ष हुआ, तो वो बीच से जो लिंक हमकी हो गई इनका चेहरा। वैसे तो खंडित मूर्तियों की पूजा हिंदू धर्म में वर्जित है, पर ये दोनों मूर्तियां आज भी आस्था और विश्वास का प्रतीक बनी हुई हैं। सुबह शाम मंदिर में होने वाली आरतियां इन लोगों के विश्वास को दिखाती है। इस मंदिर में सबसे खास है मंदिर के शीर्ष पर स्थित पताका और चक्र, जो पीतल के बने हुए हैं। यह पताका और चक्र सदैव सूर्य की दिशा में साथ चलते हैं। आस्था और विश्वास के प्रतीक यह अखंड ज्योति पिछले 21 वर्षों से लगातार जल रही है। मंदिर की देखभाल का पूरा जिम्मा गांव के मुखिया शिव शंकर शुक्ल का था, जिसे आज उनकी 30वीं पीढ़ी पूरी जिम्मेदारी से निभा रही है। सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है, पहले एक छोटा मंदिर था, मूर्ति काली थी, लोगों ने इसको मान्यता मानी, मान्यता मानने के बाद उनके काम संपूर्ण पूर्ण हुए। फिर इन लोगों ने मंदिर बनवाने के बाद सबसे हजारों लोग आते हैं, उनकी मान उनकी जो है मनोकामना पूर्ण होती है। और इस मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर भगवान शिव का एक और मंदिर है, जहां का शिवलिंग पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस शिवलिंग की विशेषता है कि इसमें पूर्ण चंद्र और जिनेर की रेखाएं स्वतः ही उभरी हुई हैं। इस लिंग के बारे में यहां के निवासियों की मान्यता है कि बहुत साल पहले भगवान शंकर ने गांव के एक किसान को स्वप्न दिखाया कि मैं गांव के तालाब के पास हूं और मुझे मंदिर में स्थापित करो। इस पर गांव वालों ने मंदिर का निर्माण कराया और शिवलिंग को मंदिर में स्थापित करने के लिए लाया गया, पर यह मंदिर के अंदर नहीं जा सका क्योंकि दरवाजा छोटा था और शिवलिंग बड़ा। लोग निराश हो गए और भगवान से प्रार्थना कर रात में अपने घरों को चले गए। सुबह होने पर शिवलिंग स्वतः ही मंदिर में स्थापित हो चुका था। तब से यह शिवलिंग मनोकामना पूर्ण करने वाला बन गया। दूर दूर से लोग यहाँ मनौती मांगने आते हैं और उनका विश्वास है कि भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे।
मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा।